सीधी सी बात है, बड़ी बेइज्जती हुई है, बहुत ही बेइज्जती हुई है आज हुकूमत की। और मतलब बेइज्जती इस लेवल की होगी इसका मुझे अंदाजा नहीं था। ये तो अंदाजा था कि बेइज्जती होने जा रही, मतलब उसकी उसका ये लेवल होगा ये मुझे अंदाजा नहीं था कि उन्होंने पहले तो जीआईटी को, जो कि बहुत ही अच्छी जीआईटी बननी चाहिए थी, पहले तो इसमें अपने बंदे उन्होंने डाले, दो नंबर अदालत ने वो दो नंबर लोग उठा के साइड पे फेंके और एक ढंग की जीआईटी बनाई जी। उसके बाद इन्होंने ये इतने मासूम सादा सीधे बिल्कुल भोले भाले, इनको पता ही कुछ नहीं था कि जीआईटी में ये जीआईटी क्या होती है, ये क्यों होती है, ये क्या इस, यानी वो मेरे भाई हैं हुसैन नवाज, इंतहाई मोहतरम है और इंतहाई देखने भी भोले लगते हैं, असल में उससे भी ज्यादा भोले हैं। वो कह रहे हैं मुझे 19 मई की रात को, मैं जद्दा में था, मुझे एक खत मिला, जब 19 ये मेरे ख्याल से वही दिन थे जब मियां साहब भी वहीं थे गालिबन जी, उन्हीं दिनों में थे ना, उन्हीं दिनों में वो मेरे, ये नहीं कह रहे कि मैं उनका अपने अब्बू के साथ था, कह रहे मैं भी जद्दा में था, मुझे एक खत मिला जेआईटी का, मुझे पता ही नहीं था क्यों मुझे बुलाया है, तो मैं तो आ गया। आने के बाद मेरे पास कागज नहीं थे, उन्होंने कहा कागज के देने, मैंने कौन से कागज, उन्होंने कहा वो कागज जिससे तूने मनी लॉन्ड्रिंग की थी, उन्होंने कहा मनी लॉन्ड्रिंग क्या, वो अजीबो गरीब किस्म की बात सुना के वो जीआईटी को टहरा रहे थे सारे। वो जीआईटी आज सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया और मेरा भाई हुसैन नवाज, मैं इतना भोला भाला मासूम बच्चा लगता है, वह बड़ी उम्र है माशाल्लाह उनकी, मगर वो इतना भोला भाला, यानी गुड्डू पप्पू साहब हैं वो, और वो उनको वो जबरदस्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा एक मिनट जरा, आपको पता ही नहीं था कि जीआईटी बनी क्यों है, अगर आपको पता ही नहीं है तो गुड लक, ये अदालत के रिमार्क्स हैं, काफी सख्त रिमार्क्स, काफी सख्त रिमार्क्स, गुड लक।